वेलकम टू लांग बुकू गाइस। ये जो ब्रिज है उस पार अभी जाएंगे, ब्रिज से होके जाना होगा। तो आप लोग देख सकते हो उस तरफ से पानी आ रहा है। तो ये जो नदी है, नदी देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे देखिए बैठने के लिए पूरा जगह है, बहुत ही अच्छा से डिजाइन किया है। तो आगे इस तरफ और एक ब्रिज है, इस तरफ से होकर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जगह जगह में बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक दुकान भी है। सो गाइस देख सकते हो ये जो लांगभुकू वाटर पुल, ऊपर जाने के लिए इतना बढ़िया सीढ़ी बना दिया है, पूरा सुविधा ही सुविधा है। ये देखिए कितना डाउन है सीढ़ी का, और आप जाना है तो यहाँ पे पानी का साउंड सुन सकते हो आप। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा ग्रीन ग्रीन बांस का छोटा छोटा पेड़ है, इतना अच्छा लगता है देखने के लिए। तो आप लोग संभल के आइए, इस तरफ फिर सीढ़ी नहीं है, इस तरफ पूरा ढाल है नीचे में। बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे पत्थर है, देखिए बड़ा बड़ा पत्थर है इस तरफ। तो आप लोगों को यहाँ में आके बहुत अच्छा लगेगा लांगभुकू में। तो यहाँ से यहाँ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं लांगभुकू में नहाने के लिए। और फिर डाउन है, फिर अप है, जाते रहेगा अभी। तो यहाँ से लेके सीढ़ी है पूरा ऊपर तक जाने के लिए, बड़ा सीढ़ी है। यहाँ पे मूवी का शूटिंग बहुत अच्छा होगा। स्टेप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है। वहाँ पे देखिए एक आंटी जा रहा है उस तरफ। तो संभल के ये आप लोग कोई भी आना चाहते हो तो यहाँ पे। ये जो आंटी है चल नहीं पा रहा है। गाइस फाइनली वाटर पूल हम लोग आ चुके हैं। तो मेरा साथ मेरा भाई भी है इधर। तो ये देखिए ये जो सामने है वाटर पूल, तो यहाँ से फोटो ले रहा है और भी लोग हैं। काफ़ी भीड़ होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे संभल के जाइए आप लोग, बहुत ही रिक्सी है। ओह माय गॉड, फाइनली मिल चुका है वाटर पूल। तो यहाँ पे लोग देखिए नहा रहा है, कितना ऊंचा लग रहा है। ओ देखिए लोग नहा रहा है वहाँ में, ओ देखिए। तो यहाँ से कितना ऊंचा होगा, अभी और ऊंचा जाना होगा। ये सीढ़ी होके अभी ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर तक है, अभी धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ये संभल के जाना पड़ेगा, मैं पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ, संभल संभल के जाना पड़ेगा आपको। ये देखिए कितना ऊंचा है, हो यहाँ पे कितना रिक्सी है। देखिए रिक्स भी बहुत है, इसलिए आपको धीरे धीरे जाना होगा, आराम से धीरे धीरे जाना पड़ेगा। हर जगह में झरना का पानी है इधर, पकड़ पकड़ के जाओ भाई। ओ बाप रे बाप रे बाप, कितना बड़ा पत्थर है भाई रे भाई। मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन अभी रिएक्शन तो दे रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद आ रहा हूँ इसी का वजह से। यहाँ पे सीढ़ी देखिए, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे संभल के जाना होगा आपको। हम पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ। ओह यहाँ पानी का साउंड देखिए, ओह ओह माय गॉड। तो गाइस देख सकते हो मैं थक गया ऊपर जाते जाते, कितना ऊंचाई तक है। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, बाप रे, वहां से पानी आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं भी, मेरा नीचे से पानी जा रहा है, वो देखिए, वाह, ओह माय गॉड। अभी धीरे धीरे हो गए, ये जो पत्थर का बीचों बीच देखिए कितना बड़ा घर का जैसा पत्थर है। ओह और सीढ़ी चढ़ना होगा ओ ऊपर तक। यहाँ पे देखिए, ओ धीरे 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 चलो रे भाई, धीरे धीरे। ओ ओ देखिए सीढ़ी, ओ जाके वहां में जाके मिलेगा। और थोड़ा ऊपर चढ़ना है, जैसे तैसे चढ़ जाएंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहे, और थोड़ा चढ़ जाता है। ओ, ओ, तो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा चट्टान है, आप लोग देख सकते हो पीछे, बहुत ही बड़ा चट्टान है। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए इतना क्लियर आ रहा है। ये देखिए घास का मुड़ा है, इसका नीचे से जाएंगे अभी। बस मिलने वाला है। और इधर में मैदान है, पूरा खाली मैदान है। पानी का साउंड सुनकर आप लोग समझ सकते हो कितने तेजी से पानी आ रहा है। ओ देखिए ऊपर से आ रहा है पानी, कितना ऊपर से आ रही है, देखिए देखिए बहुत ही तेजी से पानी आ रहा है। तो
तो अभी उस तरफ जाएंगे, वो मैदान जो है खाली मैदान, और उस तरफ हम लोगों का रोड है जिधर से आया है, दूर से दिखाई जाएगा। यहाँ पे भी एक सीढ़ी बना हुआ है, तो मैदान तक जाने के लिए एक सीढ़ी बना हुआ है इधर। ये बच्चा लोगों का साथ जा रहा है जो आंटी लोग है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मैदान है, खाली मैदान। वाह, यहाँ में नजारा देखिए इतना खूबसूरत है, यहाँ से झरना भी दिखाई जा रहा है। और इस तरफ देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, वहां में पेड़ देखिए इतना अच्छा लग रहा है, पेड़ टू डिजाइन वाला पेड़ है। वाह, वो जो रोड है हम लोग उस रोड से उसी रोड से आया है। तो इस तरफ पहाड़ देखिए कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है, बाप रे बाप। वो नीचे में देखने में डर लगता है, वो देखिए नीचे नीचे फ्लोर पर देखिए। तो मेरा साथ जो लोग आया है तो वो नीचे फ्लोर पे है, वो देखिए, ओ बाप रे, वहां से लेके पूरा वहां तक जाएगा। अरे इस तरफ देख के और मजा लगता है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है इस तरफ। वाह, तो गाइस इस जगह को बोलता है ये जो असम है नॉर्थ ईस्ट और कार्बी आंग, इतना खूबसूरत है ना, आप लोग एक बार आने से जाने का मन नहीं करेगा आप लोगों को। इतना खूबसूरत लांगभुकू वाटर पूल, ये जो आप लोग सामने रोड देख रहे हो इसी रोड से हम लोग आया है। तो ये मांझा से आपका पकड़ लीजिए, मांझा से 8-10 किलोमीटर दूरी पे है ये जो लांगभुकू वाटर पूल। तो यहाँ पे मैं अभी बहुत ही ऊंचाई पे हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए मैं तो पास में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही ऊंचा पे हूँ मैं, 500 फुट ऊंचाई पे हूँ अभी। तो आप लोग यहाँ में आइएगा तो संभल कर रहिएगा क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितना ऊंचाई है। गाइस आज लोगों का भीड़ कम है लांगभुकू वाटर पूल में, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा साथ एक अंकल भी था, वो देखिए, तो मैं अभी अकेला ऊपर पे चढ़ा हूँ, बहुत ही ऊंचाई पे हूँ, कम मिनिमम आप 500 फुट पकड़ लीजिए ऊंचाई पे। इससे भी ऊपर से ये जो पानी है, पानी आ रहा है, आप देखिए इससे भी ऊंचाई से पानी आ रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, तो आप लोग भी आइए। ये जो नॉर्थ ईस्ट असम कार्बी आंग जो है ना, आप लोग एक बार आने से घूम के जाने का मन नहीं करेगा, आप लोग यहाँ में रहने का मन करेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये जो असम है देखने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये तो कार्बी आंग का एरिया में गिरता है, देख सकते हो पानी का जो साउंड है किस तरह से आ रहा है। ये तो ऊपर झरना है जो अभी आप लोगों को दिखा रहा था, ये देखिए झरना कितना ऊंचाई से आ रहा है जो पानी ऊपर में, क्या है पता नहीं, गया नहीं हुआ मैं, जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ में एक पेड़ है, इतना खूबसूरत डिजाइन करके रखा है पेड़ टू, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने के लिए। तो आप लोग भी कभी आइए, बाहर से हो तो, बाहर का लोग हो तो आप लोग आइए यहाँ पे घूमने के लिए। ये देख सकते हो एक गुफा है, बहुत ही अंधेरा गुफा, ये भी देखिए इस गुफा में क्या क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन गुफा किस तरह का गुफा है देखिए, वो जाने के लिए डर लगता है ये सब गुफा में, किस तरह का गुफा है। इस तरफ भी एक गुफा है, हो आप लोग आइएगा तो इस तरह का गुफा में मत घुसिए क्योंकि पूरा अंधेरा है, क्या क्या रहेगा पता नहीं है। तो गाइस मैंने नहा लिया, अभी दूसरा ड्रेस लाया नहीं था लेकिन इसी ड्रेस को पहन के नहा लिया, अभी तो भीजा भीजा ही जाना होगा मुझे।